हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टेंसेस। व्हाट आर टेंसेस? द टेंस ऑफ अ वर्ब इज द फॉर्म दैट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन और बीइंग। जो टेंस होता है किसी भी वर्ब का, वो हमें बताता है द टाइम ऑफ एन एक्शन, कि कोई भी जो एक्शन है ना वो किस समय किया गया है, या और बीइंग मींस कोई भी जो सिचुएशन है वो प्रेजेंट टेंस की है, पास्ट टेंस की है, या फ्यूचर टेंस की होगी, उसके बारे में हमें बताता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं टेंसेस में, टाइप्स ऑफ टेंसेस की। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेज, दीज आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट इज व्हाट दैट इज रनिंग नाउ, मतलब जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है। पास्ट जो बीत चुका, फ्यूचर जो आएगा। सब डिविजन ऑफ टेंसेस, ईच ऑफ द थ्री टेंसेज हैज़ फोर सब डिविजन्स टू शो कंटिन्यूटी, कंप्लीटनेस ऑफ द एक्शन एंड टाइम। कि जो हर एक टेंस है ना उसके फोर सब डिविजन्स है, जो हमें दिखाता है कि कोई एक्शन जो है वो कंटिन्यूटी में चल रहा है, कंप्लीट हो चुका है एक्शन या टाइम जो भी था। तो ये जो फोर सब डिविजन्स हैं क्या हैं? सबसे पहले इनडेफिनिट, सेकंड इज़ कंटिन्यूअस या फिर हम जिसको इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं, थर्ड इज़ परफेक्ट एंड फोर्थ इज़ परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम बात करेंगे इनडेफिनिट टेंस की। अभी इनडेफिनिट टेंस चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, तो अभी हम बात कर रहे हैं इनडेफिनिट टेंस की। The indefinite tense does not indicate whether the action is complete or not. जो indefinite tense होता है ना वो हमें ये indicate नहीं करता है कि action जो है वो complete हो चुका है या नहीं हुआ है। Next one is continuous tense. Continuous tense क्या बताता है, जिसको हम imperfect tense भी बोलते हैं। Continuous tense indicate that the action is still going on. कि जो action है वो अभी चल रहा है। परफेक्ट टेंस, द परफेक्ट टेंस इंडिकेट्स दैट द एक्शन इज कंप्लीट, फिनिश्ड और परफेक्ट। जो परफेक्ट टेंस है वो हमें ये इंडिकेट करता है कि एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है, मींस परफेक्ट है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स दैट द एक्शन बिगेन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। परफेक्ट कंटिन्यूअस हमें ये बताता है कि एक्शन जो है वो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी वो एक्शन कंटिन्यू है। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? हम शुरुआत करेंगे ट्रांसलेशन से। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसकी पहचान क्या होती है? हिंदी का कोई भी सेंटेंस जिसके पीछे ता है, ती है, ते है अगर है, तो वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके एग्जांपल जैसे कि वह खाना खाता है, हम प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, वे हमेशा सच बोलते हैं, वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है। तो ता है, ती है, ते है। तो हिंदी का कोई भी सेंटेंस जिसके पीछे ता है, ती है, ते है आता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता है। तो अब हम सीखेंगे कि जो हमारा हिंदी का कोई भी सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, उसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, जो पॉजिटिव सेंटेंस है, उसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ई एस आता है, प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये एस या ई एस किस सिचुएशन में आएगा ये भी हम डिस्कस करते हैं। व्हेन टू यूज़ वी वन एंड व्हेन टू यूज़ वी वन प्लस एस एन या ई एस। तो जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। जब सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन होता है, तो केवल वी वन का प्रयोग किया जाता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि कैसे ट्रांसलेशन होती है। जैसे ये सेंटेंस है हमारे पास, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ। तो हमारा रूल अभी हमने देखा, सबसे पहले है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, यही हमारा रूल है। तो यहाँ पर मैं
सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? मैं को हमने बोला आई। अब यहाँ क्या काम हो रहा है? उठने का काम हो रहा है, तो उठने को हमने बोला वेक अप, आई वेक अप। अब यहाँ पर आई है तो आई में वर्ब के साथ हमें एस सी आई एस नहीं लगाना, तो इसलिए वर्ब की बेस फॉर्म हमने वेक का यूज़ किया, तो आई वेक अप एट 5 AM इन दी मॉर्निंग। वे नियमित रूप से स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा वे, वे को हमने इंग्लिश में बोला दे। अब वो क्या काम कर रहे हैं? जाने का, गो, दे गो। अब दे है तो दे के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो आया क्या काम हो रहा है यहाँ? जाने का मीन्स गो। कहाँ जा रहे हैं? टू स्कूल, स्कूल जा रहे हैं। और नियमित रूप से मीन्स रेगुलरली, तो हमारा सेंटेंस बन गया दे गो टू स्कूल रेगुलरली। वह हमारे घर कभी नहीं आता है, वह मेल के लिए यूज हुआ है तो हमने यूज किया ही, कभी नहीं के लिए आया नेवर। अब यहाँ पर क्या काम हो रहा है? आने का, तो कम होता है आना, और ही के साथ वर्ब के साथ एस या ई एस यूज करना है, तो कम के साथ आया एस, ही कम्स टू अवर होम, ही नेवर कम्स टू अवर होम। मेरी बहन नियमित रूप से मंदिर जाती है, माई सिस्टर गोज टू टेम्पल रेगुलरली। मेरी बहन, माई सिस्टर हेयर इज सब्जेक्ट, क्या काम कर रही है? जाने का, तो गो। अब सिस्टर है, सिंगुलर है, तो उसके साथ लगा ई एस, गोज। अब कहाँ जा रही है? टू टेम्पल, और नियमित रूप से के लिए आया रेगुलरली, तो माई सिस्टर गोज टू टेम्पल रेगुलरली। ये हमने पढ़े अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन डू या डज आता है। डू या डज के साथ हम नोट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यहाँ वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ कोई एस या ई एस नहीं आएगा, बिकॉज जहाँ एस या ई एस आता है उस केस में हम यहाँ पर डज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं डू हम कहाँ यूज़ करेंगे एंड डज हम कहाँ यूज़ करेंगे। तो डू हम यूज़ करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन होता है। डज हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होता है तब। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। राधा विद्यालय नहीं जाती है, राधा सिंगुलर है, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आया राधा। नहीं है तो हमें डू या डज नॉट यूज़ करना है, तो राधा सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग आया डज नॉट। अब क्या काम नहीं कर रही है राधा? काम क्या है, वर्ब क्या है यहाँ पर? जाने का, तो गो। राधा डज नॉट गो, कहाँ नहीं जाती? स्कूल, तो राधा डजेंट गो टू स्कूल। वे सुबह नहीं खेलते हैं, वे को हमने बोला दे, दे के साथ लगेगा डू नॉट। क्या काम कर रहे हैं? खेलने का, प्ले इन द मॉर्निंग, सुबह के लिए। वह खेलना चाहती है, शी, वह के लिए आया शी। शी सिंगुलर है तो उसके लिए आया शी, वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा, शी वॉन्ट्स। अब क्या करना चाहती है वो? टू प्ले, शी वॉन्ट्स टू प्ले। वैसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस की यहाँ बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा शी, अगर मैं कहूँ इसको वह खेलना नहीं चाहती है, तो ये हो जाएगा शी डज नॉट वॉन्ट टू प्ले। रमेश क्रिकेट खेलना पसंद करता है, रमेश लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, या वॉन्ट्स नहीं आएगा यहाँ, लाइक्स होगा, रमेश लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। अगर मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगी तो ये हो जाएगा रमेश डज नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? सबसे पहले हमारा आता है डू या डज, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है, क्या आप अंग्रेजी जानते हैं? तो डू यू नो इंग्लिश, यू हमारा सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ हमारा आया डू, सब्जेक्ट यू, और जानना को हमने बोला नो, और क्या जानते हैं? इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश। क्या रमेश और आनंद स्कूल जाते हैं? अब यहाँ दो हमारे सब्जेक्ट हैं, रमेश एंड आनंद, तो डू रमेश एंड आनंद गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। क्या वह विद्यालय जाती है? तो शी है, तो उसके अकॉर्डिंग आया डज, डज शी गो टू स्कूल। क्या मैं व्यायाम करता हूँ? डू आई एक्सरसाइज। क्या हम लोग घर नहीं जाते हैं? डू वी नॉट गो टू होम। इसके बाद हमारा आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जो इंटरोगेटिव है, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया और साथ में उसमें नहीं भी आता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम यूज़ करते हैं डू या डज सबसे पहले, एज पर दी सब्जेक्ट, देन आता है हमारा सब्जेक्ट, देन नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वे घर नहीं जाते हैं? डू दे नॉट गो टू होम। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है दे के अकॉर्डिंग आया डू, तो डू दे नेगेटिव है तो नॉट आएगा यहाँ। जाने का काम हो रहा है गो, कहाँ जाना है? होम।
तो डू दे नॉट गो टू होम, क्या तुम काम नहीं करते हो? तुम था यू, यू के अकॉर्डिंग आया डू, डू यू नॉट वर्क, क्या वे पढ़ना नहीं चाहते हैं? डू दे नॉट वॉन्ट टू स्टडी, क्या हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय नहीं जाते हैं? डू वी नॉट गो टू स्कूल टू गेट एजुकेशन? ये सारे सेंटेंसेस रूल्स पर बेस्ड हैं। पहले आपको, जब आप नया नया सीखते हैं तो आपको रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत है, उसके बाद आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे, मीन्स आप फ्लो में अपने आप सेंटेंस फ्रेम कर पाएंगे, आपको कोई रूल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या वह क्रिकेट खेलना नहीं जानता है? डज ही नॉट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट? नहीं, खेलने नहीं है यहाँ, खेलना है। नेक्स्ट है WH फैमिली सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जहाँ WH वर्ड का यूज़ होगा, जैसे कि WH वर्ड्स हमारे होते हैं, जैसे कि व्हाट, क्या, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, व्हाई, क्यों, इस तरीके से। तो सबसे पहले आता है WH वर्ड, उसके बाद हमारा पूरा इंटरोगेटिव वाला रूल। इंटरोगेटिव वाले रूल में इंटरोगेटिव रूल भी हो सकता है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल भी हो सकता है। तो सबसे पहले WH वर्ड, डू या डज, देन सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव है तो नोट लग जाएगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वे सब स्कूल कब जाते हैं? तो ये कब हमारा है व्हेन, WH वर्ड, तो व्हेन हमारा आ गया पहले। डू दे गो टू स्कूल? तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, क्यों के लिए हमारा वर्ड आया व्हाई, बाकी इंटरोगेटिव रूल के अकॉर्डिंग डू यू नॉट स्टडी। वे लोग कहाँ रहते हैं, तो कहाँ के लिए आया वेयर, वेयर डू दे लिव। श्रुति क्यों नहीं पढ़ती है व्हाई, श्रुति के अकॉर्डिंग आया डज श्रुति नॉट स्टडी। वे क्या करना चाहते हैं, व्हाट दे वॉन्ट टू डू। वे कैसे पढ़ते हैं, हाउ डू दे स्टडी। अब हम देखेंगे कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज कहाँ करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस थिंग्स हैपनिंग इन द प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट टेंस उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है जो प्रेजेंट टेंस में होती हैं। लाइक शी टीचेस इन अ प्राइवेट स्कूल, वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है। शी गोज़ टू मार्केट, वो मार्केट जाती है। वे सिंगर सॉन्ग, हमें गाना गाते हैं। आई गो टू पार्क, मैं पार्क जाती हूँ। दे ड्रिंक टी, वे चाय पीते हैं। मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस थिंग्स हैपनिंग इन द प्रेजेंट, ऐसी चीज़ों को बताने के लिए जो प्रेजेंट में होती हैं। टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम किसी हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए भी यूज करते हैं। लाइक आई वेक अप विद, आई वेक अप एट फाइव डेली, यहाँ पर विद नहीं है, एट होगा। आई वेक अप एट फाइव डेली, मैं प्रतिदिन 5 बजे उठती हूँ। आई गो टू स्कूल रेगुलरली, मैं रेगुलरली स्कूल जाती हूँ। शी गोज़ टू टेम्पल एवरी डे, वो हर दिन मंदिर जाती है। आई फ्लाई काइट्स ऑन माई टेरिस एवरी, एवरीथिंग नहीं है यहाँ पर, एवरी इवनिंग हम कह सकते हैं कि मैं हर शाम को अपनी टेरिस पर पतंग उड़ाती हूँ। वी ड्रिंक टी इन द इवनिंग, हम शाम को चाय पीते हैं। ये कुछ टाइपिंग एरर्स हैं, तो प्लीज़ इनको आप अवॉइड करिए, इग्नोर करिए। टू एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल ट्रुथ, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करें। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व से निकलता है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, मीन्स निकलता था, निकलता है, निकलता रहेगा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। तो ये कुछ क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, उसको बताने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ फिक्स्ड इन द फ्यूचर, कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो फिक्स हैं फ्यूचर में होने के लिए, तो उनके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि द राजधानी एक्सप्रेस लीव्स एट 11 AM, कि राजधानी एक्सप्रेस जो है 11 बजे निकलती है। टू एक्सप्रेस सबॉर्डिनेट क्लॉज इफ द प्रिंसिपल क्लॉज इज सिंपल फ्यूचर, अगर प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो सिंपल फ्यूचर में है तो जो सबॉर्डिनेट क्लॉज होगा उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। इफ शी प्रिपेयर्स वेल, शी विल स्कोर गुड मार्क्स, अगर वो अच्छे से प्रिपेयर करती है, शी विल स्कोर गुड मार्क्स, वो अच्छे मार्क्स स्कोर करेगी। हेयर दिस इज द प्रिंसिपल क्लॉज, शी विल स्कोर गुड मार्क्स, वो अच्छे मार्क्स स्कोर करेगी। बट ये जो है इफ शी प्रिपेयर्स वेल, ये क्या है, सबॉर्डिनेट क्लॉज। सबॉर्डिनेट क्लॉज मीन्स जो अपने मीनिंग को कम्प्लीटली क्लैरिफाई करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्लॉज जिसका अपने आप में मीनिंग क्लियर है। तो अगर प्रिंसिपल क्लॉज सिंपल, प्रिंसिपल क्लॉज जो है फ्यूचर टेंस में है, तो हमारा जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा।
अब यहाँ पर हमें कुछ कीवर्ड्स हैं जो देखने को मिलते हैं, जो जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से फिलअप होगा। जैसे कि ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, अक्सर, यूजुअली, आमतौर पर, प्राय, रेगुलरली, नियमित रूप से, एवरी डे, प्रतिदिन, रेयरली, शायद ही, कभी, स्कार्सली, मुश्किल से, वीकली, डेली, मंथली, ईयरली, वंस, ट्वाइस, थ्री टाइम्स, इन अ डे, वीक, मंथ, ईयर, कुछ इस तरीके के ये वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं जो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में जनरली देखने को मिलते हैं। हमारे एग्जाम्स में आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, तो वहाँ पर हम पहचान सकते हैं इन वर्ड्स को देखकर कि यहाँ से अगर ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं तो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया जाना चाहिए। जो ये वर्ड्स जो हैं हमें हेल्प करेंगे ये पहचानने में कि हमें किस टेंस से फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, किस टेंस की वर्ब फॉर्म हमें यूज़ करनी है। आई होप आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आज हमने केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल अवेयर इंडिया, एजुकेट इंडिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।